नमस्ते मिथिला, प्रणाम मैथिल, हम प्रकाश, अहाँ सब मिथिलावासी को फिर से स्वागत कर रहे हैं मिथिला ग्लोरी के एक नबका सुंदर सन मैथिली ब्लॉग में। और इस सुंदर सन मैथिली ब्लॉग में अहाँ सब गोटे हम स्वागत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से। जी हाँ, हम अखन फिलहाल रायपुर में छी। और रायपुर हम किया आयल छलहुँ अहाँ सब गोटे एक बाद वाला जो ब्लॉग है तेम पता चल, तो एक्चुअली वो ब्लॉग पहले आवाक चाहिए क्योंकि हम रायपुर जो ट्रैवल के लिए ओकर पूरा कम्प्लीट डिटेल्स हम ब्लॉग में हम देने छे। लेकिन फिलहाल ई ब्लॉग हम आइ शूट कर रहलूँ हन सोम दिन, और हमें तो हम सही दिन पहुँचल छलिए रवि के, हम जो काज द्वारा हम आयल छलहुँ वो काज भ गेल। आइ सावन का लास्ट सोमवारी छे और छत्तीसगढ़ अहाँ सब गोटे बता दी कि एकटा छै ने बहुत बड़ा हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल जे छै ने हिंदू धर्म के लेल बहुत प्रसिद्ध जगह छै। एतय छै ने भगवान राम त्रेता युग के छै ने बहुत सारा अवशेष, बहुत सारा एहन चीज जे अहाँके भेटत जे अपने सब गोटे के नहीं पता है। चलू अहाँके खोज करैत अहाँ सब गोटे के एहि लऽ कऽ हम जा रहलहुँ हन जे खारून नदी पर स्थित महादेव घाट छै। ओहिठाम एकटा बहुत प्रसिद्ध हटकेश्वरनाथ महादेव के मंदिर छन जे कि रायपुर छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा देश में बहुत प्रसिद्ध छै। और हुनकर मान्यता, हुनकर जे इतिहास छै बहुत बहुत विख्यात छै पूरा देश भर में। तो चलू अहाँ सब मैथिली के लग चलै छी और ई जे महादेव जी छथिन आज सोमवारी के दिन अहाँ सब हुनकर दर्शन कराबै छी। और ब्लॉग छै ने बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलू है उम्मीद के संग अपन आज का मैथिली ब्लॉग को शुरुआत कर लूँ बहन जानकी के नाम के संगे प्रेम जी के सब गोटे। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी। तो चलू फटाफट हम स्नान ध्यान कऽ कऽ डायरेक्टली अहाँ सब गोटे के मिलै छी और दर्शन कराबै छी भगवान हटकेश्वरनाथ जी का। अहाँ सब मैथिली जेना वीडियो के स्टार्टिंग में हम बतेने छलहुँ कि ई मंदिर छै रायपुर छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरा देश में मशहूर छै। ओके प्रमाण अहाँ सब गोटे एहिठाम देख सकै छी, लगभग 3-3.5 किलोमीटर से जे कांवरिया के भीड़ एतय छै ने प्रचुर मात्रा में छै। जेकि अपना सब बाबाधाम जाइ छियै ने, जे बाबाधाम में भीड़ रहैए, चाहे कुशेश्वर स्थान लिअ, छै एहन बहुत सारा महादेव के स्थान छै जेठम जे कांवरिया के सावन महीना में भीड़ रहै छै। तेनाहिते अहाँ सब देख सकै छियै भक्तगण जे छथिन महादेव के पूरा ढोल नगारा डीजे के साथ जे छै ने सब गोटे झूमैत भगवान भोलेनाथ के नाम लैत हुनका जल अर्पण करे के लेल सबटा श्रद्धालु कन जा रहलखिन हन। और सब श्रद्धालु के एना नाचैत झूमैत गाबैत देख कऽ हमरा गाँवक याद आबि गेल, किएकि गाँवमे छन सब कमरथुआ सब जाइ छथिन बाबाधाम, तऽ एनाहिते जे छै ने भगवान भोलेनाथ के भक्ति करैत सब गोटे प्रस्थान करै छथिन, सब गोटे जाइ छथिन भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाबै के लेल। रास्ता में आबै कालमे बहुत सारा एहन संस्था, एहन सारा ट्रस्ट के हम देखलहुँ जे कांवरिया सबके बहुत मदद करै छलखिन। तऽ चलू भगवान भोलेनाथ के भक्ति में झुमैत अहाँ सब मिथिलावासी के लऽ कऽ चलि रहलहुँ हन और दर्शन कराबै छी भगवान हटकेश्वरनाथ महादेव जी के। अहाँ सब मैथिली देख सकै छी हम पहुँच चुके भगवान हटकेश्वरनाथ महादेव जी के जे मंदिर छनि तैठाम, मुदा हुनकर दर्शन करबाबै से पहिले अहाँ सब देख सकै छियै हुनके मंदिर के जस्ट साम एकटा बहुत सुंदर एहिठाम मंदिर छै। चलू अहाँ सब पहिले एहिठाम दर्शन कराबै छी, देख सकै छी अहाँ सब गोटे गेट पर भगवान शंकर और माँ दुर्गा स्वयं विराजमान छथिन एहि मंदिर के रक्षा करे के लेल। चलू अंदर प्रवेश करै छी, अंदर देखै छी कोन भगवान के एहिठाम मूर्ति छै। अहाँ सब देख सकै छी एहिठाम माँ काली के जे छै ने हुनकर पूजा विशेष कऽ भऽ रहल हन, हुनका संगे संगे एहिठाम छै ने हनुमान जी के सेहो पूजा भऽ रहल हन। और संगे जे शालिग्राम भगवान छथिन हमरा हिसाबसँ हुनकर प्रतिमा सेहो एहिठाम स्थापित कयल गेल छनि। और अहाँ सब मैथिली देख सकै छी एहिठाम माँ काली के जतेक रूप छनि हुनकर हरेक रूप के एहिठाम प्रतिमा बनायल गेल छै। और हमरा नहि बुझल छल कि माँ काली के एते सारा रूप छै, मुदा जेना अहाँ एहिठाम एलहुँ हन एहिठाम देखलहुँ हन तहन हमरा ज्ञान भेल कि हाँ एते सारा माँ काली के रूप छै, अहूँ सब गोटे देख सकै छी एहिठाम। अहाँके माता काली के कोन कोन रूप के बारे में पता यऽ अहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकै छी। माता काली के दर्शन केला के बाद अहाँ सब गोटे हम नीचा लऽ कऽ आबि गेल छी और एहिठाम अहाँ सब गोटे देख सकै छी जते भी नवग्रह छथिन हुनकर एहिठाम सब गोटे के छै ने प्रतिमा स्थापित कयल गेल छनि, मूर्ति बनायल गेल छनि और हुनकर सब गोटे एहिठाम पूजा कयल जाइ छै, अहाँ सब गोटे देख सकै छियै। तऽ मंदिर के अंदर छै ने फोटो वीडियो लेने मना छलै, तैयो अहाँ सब दुआरे हम कनि चोरी छुपे लेलहुँ और आइ आइ अहाँ सब गोटे देखलियै कि कते सारा एतय छै ने श्रद्धालु गण एलखिन हन जे भगवान महादेव जे भगवान हटकेश्वरनाथ छथिन हुनकर दर्शन करै के लेल। और हुनकर दर्शन अहाँ सब गोटे चलू और अंदर लोग चलै छी किएकि एहिठाम अबै ने तऽ बहुत सारा भगवान के एहिठाम मंदिर छै जकरा अहाँ दर्शन कऽ सकै छी।
फाइनली यहाँ से मैथिल को हम लोग का आबि गए भगवान हरकेश्वरनाथ के जो मेन मंदिर के प्रांगण है तैठम, और अहाँ से पूरे देख सकते हरकेश्वरनाथ महादेव के प्रांगण के मुख्य द्वार छे सही छे। चलो ओठम प्रवेश कर छी, ओठम बहुत रास भगवान के छे ने ओठम मंदिर बनाल गेल छे और उनका प्रतिमा स्थापित कयल गेल छे, तो चलो एक एक क अहाँ सब मिथिलावासी के हुनका दर्शन कराबै छी। अहाँ सब मैथिल को बता दी कि एठम मंदिर के प्रांगण के अंदर और कदापि मंदिर के प्रांगण के बाहर दोनों ठाम जेनाइते गाँव सबमें मेला लागैए, तेनाहिते ओहिठाम मेला लागल छै। प्लस अहाँके जे पूजा से रिलेटेड जे भी सामग्री होइए जेनाकि नवेद भऽ गेल, फूल भऽ गेल, अगरबत्ती, धूप, दीप, प्रसाद जे भी चीज होइए सबटा ओहिठाम मंदिरके प्रांगणमे सेहो आओर प्रांगणके बाहर दुनू जगह उपलब्ध छै। एकरा अलावा ओहिठाम छै ने जेनाकि गाँव सबमें मेला लागैए, तेनाहिते ओहिठाम 12 महीना 3600 दिन अपना सब भाषामे कहियौ तऽ ओहिठाम मेला लागल रहै छै, और मेला में जे भी सामान अपना सब जैसे गाँव में भेटे सबटा सामान ओनाते हरेक माल वाला चीज सब ओहिठाम लागे छै जे अहाँ सब गोटे देख सकै छियै। और एक चीज हमें तो और नोटिस केलहुँ कि छत्तीसगढ़ के भाषा जे छै ना अपना मैथिली से बहुत मिलै छै, जो कि मैथिल छत्तीसगढ़ से ये वीडियो देख रहा हूँ से अहाँ सब गोटे कमेंट करके बता सकै छी कि कते रिलेट करै छै मैथिली भाषा और छत्तीसगढ़ के भाषा। तो चलू सब गोटे एक एक सब भगवान के ओहिठाम दर्शन करै छी, देख सकै छियै। वह क्रम में पहला ओहिठाम भगवान त्रिपुरेश्वरनाथ जी के जैसे मंदिर छनि से छनि, मंदिर के प्रवेश द्वार पर अहाँ सब गोटे ओहिठाम देख सकै छियै। गंगा, जमुना और माता संतोषी के छनि बहुत सुंदर ओहिठाम प्रतिमा स्थापित कयल गेल छनि और माता के विधि विधान ओहिठाम पूजा कयल जाइ छै। चलू अंदर प्रवेश करै छी और अहाँ सब मैथिल देख सकै छियै अंदर में कतेक सुंदर ओहिठाम भगवान कृष्ण और हुनका संगे राधा जी कते सुंदर लागि रहल छथिन, कते मनमोहक लागि रहल छथिन, दुनू गोटे दर्शन करू अहाँ सब गोटे हुनकर। और एक चीज हम ओहिठाम नोटिस केलहुँ हन कि एतय जते भी मंदिर छै से बहुत छोट छोट छै लेकिन एते मनमोहक, एते सुंदर ओहिमे भगवान सेहो प्रतिमा बनायल गेल छै। जहन अहाँ ओहिठाम एबै ने तऽ छै ने एकटा भक्तिमे अहाँ सब गोटे विभोर। चलू आगे बढ़ै छी, अगला देख सकै छी अहाँ सब गोटे ओहिठाम भगवान कालेश्वरनाथ जे छथिन हुनकर ओहिठाम मंदिर छनि, तऽ चलू अहाँ सब गोटे के हुनकर दर्शन कराबै छी। एकटा चीज हम ओहिठाम आओर नोटिस केलियै कि ओहिठाम मोस्टली जे छै ने भगवान भोलेनाथके जे रूप छनि हुनकर जे प्रतिमा छै, हुनकर जे शिवलिंग छै, हुनकर स्थापना बेसी भेल छै। भगवान कालेश्वरनाथ मंदिर के ठीक सामने ओहिठाम देख सकै छी आओर बहुत ज्यादा भगवान के मंदिर छनि जिनकर दर्शन अहाँ सब गोटे ओहिठाम अयलाके बाद कऽ सकै छी। ताहि दुआरे अहाँसब मैथिलके कहब, अगर अहाँ सब गोटे एहिठाम आबै छी तऽ अहाँ सबके अपन सनातन धर्मके मोस्टली जे देवी देवता छथिन हुनकर पूजा, हुनकर दर्शन अहाँ सब गोटे एहिठाम कऽ सकै छी। तऽ चलू जे हरकेश्वरनाथ महादेवके मंदिरके जे मेन प्रांगण छै ताहिमे प्रवेश करै छी और अहाँ सब मैथिल देख सकै छी एहिठाम भगवान भोलेनाथके कते सारा श्रद्धालु ओहिठाम आयल छथिन, बच्चा, जवान, औरत और जे पुरुष छथिन सब गोटे ओहिठाम आयल छथि। और ई भीड़ जे छनि भगवान भोलेनाथके जे अहाँ सब गोटे स्टार्टिंग से देखने में तखने से छै और ई और बढ़ले जाइ छै, जेनाकि अपना सब गाँव में बाबाधाम सब होइए छै, कुशेश्वर स्थान भऽ गेल, एवं विभिन्न प्रकारके महादेव जतय अपना सब मिथिलामे स्थापित छथिन तऽ ओहिठाम एनाहिते कमरिया सब जाइ छथिन जल लऽ कऽ। और एहि भीड़ सब और भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालु छथिन हुनकर आस्था और हुनकर मन के विश्वास छनि, एहिसँ अहाँ पता लगा सकै छी कि किया ई केवल छत्तीसगढ़ रायपुरमे नहि बल्कि पूरा देशमे ई मंदिर एतेक विख्यात छै। तऽ चलू वएह आस्था वएह विश्वासके सङ्ग अहाँ सब गोटेके लऽ कऽ चलै छी आओर मंदिरमे प्रवेश करै छी आओर दर्शन कराबै छी भगवान हरकेश्वरनाथ महादेवके। अहाँ सब गोटे मैथिल के दर्शन करवेलाके बाद हम अखन मंदिर से बाहर आबि गेल छी, देख सकै छियै अखनो कते श्रद्धालु के ओहिठाम भीड़ छै। और जेना स्टार्टिंग अहाँ सब गोटे हम कहलहुँ कि ओहिठाम मंदिर जे छै बहुत छोट छोट बनायल गेल छै, ओकर कारण इहो छै कि मंदिर से जते देख रहल लगभग 300-400 साल पुरान मंदिर। हम प्रयास करब अहाँ सब गोटे मैथिल के लेल के दुआ जे पुजारी जी छथिन हुनका से बात कऽ कऽ ई मंदिर के जे विशेषता छै ओकरा बारेमे बतबैके लेल। और बाहर निकललाके बाद ओहिठाम निकलबै तऽ ओहूठाम बहुत रास जे भगवान छथिन हुनकर मंदिर छै, जेनाकि गणेश जी भऽ गेल, हनुमान जी भऽ गेलखिन, और हुनका अलावा बहिन सीता और पाहुन रामके ओहिठाम सेहो भ्राता जे लक्ष्मण छथिन हुनका सङ्गे मूर्तिके स्थापना कयल गेल छै, अहाँ सब ओहिठाम देख सकै छी। हर हर महादेव। मैं महंत सुरेश गिरी गोस्वामी, श्री हरकेश्वरनाथ मंदिर, रायपुर, छत्तीसगढ़,
अति प्राचीन स्थान है, रायपुर का एक धरोहर स्थान है, जो कि 1428 ईस्वी में यहाँ राजा कलचूरी साम्राज्य के ब्रह्मदेव राजा जो है यहाँ शिकार के लिए आए हुए थे। अचानक घोड़े के पैर में मोच लगने से घोड़ा गिर पड़ा और राजा के पैर में भी मोच लगा। तो उन्होंने राजा ने कहा कि अपने मंत्रियों से कि ये क्या है, उठा यहाँ सब पत्ते डंगालों को हटा के देखा जाए। तो वहाँ से जब हटा के देखा गया तो शिवपिंड मिला उनको। शिवपिंड मिला तो नदी से जल ला करके भगवान शिव जी का अभिषेक किए और उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, मेरे यहाँ अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो 6 माह की रात्रि में इस मंदिर का निर्माण करूँगा और पुष्कर में जो मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा शिवरात्रि, वह मेला प्रारंभ करवाऊंगा। विगत कुछ वर्षों बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने ढोल नगाड़े बाजे के साथ आकर भगवान शिव जी का पूजा अर्चना किए और पूजा अर्चना करने के बाद में जो है 6 माह की रात्रि में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया और पुष्कर में जो मेला होता था कार्तिक पूर्णिमा शिवरात्रि, वह मेला प्रारंभ किया। अतः इस श्रावण मास में बाबा हटकेश्वरनाथ के दरबार में अवश्य आइए और समस्त भक्तगणों को हर हर महादेव। भगवान हटकेश्वरनाथ के दर्शन करेला के बाद अहाँ सब मैथिल का हम अखन लौका आबि गेल छी। ई जे सामने देख रहलिए हँ, ई रायपुरमे मात्र एकटा एक्सपांशन ब्रिज छै जेकि खारून नदी पर बनायल गेल छै और ई ब्रिज जे छै लक्ष्मण झूला के नाम से जे छै पहचानल जाइ छै एहिठाम। ई ब्रिज लगभग 2018 में चालू भेल छलै और एकर जे बजट जे छै से करीब करीब 6 करोड़ के बजट छलै और ई जे ब्रिज जे छै ना से केवल दिन के टाइम में चालू रहै छै, साँझ के बंद कयल देल जाइ छै सिक्योरिटी पर्पस के लेल, कियाकि बहुत लोग एहन छथिन जे एहिठाम से कूदि सेहो जाइ छथिन। ताहि दुआरे हम जखन से ब्रिज पर चढ़लहुँ तखन से हमरा कनि डर भऽ रहलै कियाकि एकर जे स्टार्टिंग पॉइंट छै और एंड पॉइंट जे छै ना ओहिठाम ज्वाइंट छै और ज्वाइंट जे छै ना बहुत हिलै, लेकिन एहन ब्रिज जे छै ने अहाँ प्रकार से बनायल जाइ छै। ई जे एक्सपांशन ब्रिज अहाँ सब मैथिल देख रहल यऽ, ई केवल टूरिस्टक लेल नहि बनायल गेल छै, ई जे छै ने रायपुर जिला और जे एकटा दुर्ग जिला छै छत्तीसगढ़ के तकरा सेहो जोड़ै छै और ई ब्रिज के दोसर साइड मे बहुत सुंदर एकटा पब्लिक लेल छै ने एहिठाम गार्डन बनायल गेल छै और ओकरे दहिना साइड जे छै ने एकटा बहुत सुंदर एहिठाम भगवान भोलेनाथ के छै से मूर्ति बहुत नम्हर बनायल गेल छै। तऽ हम कोशिश करब अहाँ सबके ओहो देखबै के, अहाँ सबगोटे ब्रिज के खूबसूरती देख सकै छी, जे छै से अपना अपने देश मे छै भारत मे छत्तीसगढ़ मे छै, जे कि अहाँ सबगोटे देख सकै छी कते खूबसूरत छै, कते सुन्दर बनायल गेल छै। ई घाट देखलाक बाद अहाँके हूबहू जे छै ने काशी के याद आबै छै, काशी के जे घाट गंगा तट पर ओहो एनाहिते बनायल गेल छै, तहि तर्ज पर ओहो घाट बनायल गेल छै और ओनाहिते एहिठाम आरती होइ छै और साँझ के ब्रिज पर बहुत सुन्दर लाइटिंग शो सेहो होइ छै और ई सामने एक दृश्य अहाँ सबगोटे देख सकै छी कते सुन्दर लागि रहल हँ। एतुका ई सुन्दर दृश्य देखलाक बाद हमरा जे छै ने कश्मीर के एकटा वैली छै ओकर याद आबि गेल, कियाकि ओहोठाम जे छै ने एनाहिते टूरिस्ट सबके जे छै ने ओ कश्मीर के ओ वैली मे पूरा घुमाबै छै, जे टूरिस्ट जाइ छथिन तेनाहिते अहूठाम अहाँ सबके देख सकै छियै जे टूरिस्ट आबै छथिन हुनका घुमाबै के लेल कते सुन्दर एतऽ नाव के व्यवस्था कयल गेल छै, नाव मे सेफ्टी पर्पज के लेल बहुत सुन्दर एहिठाम जे लाइफ जैकेट होइए सेहो सब छै। अगर एहिठाम अहाँ आबै छियै और घुमै छियै नाव मे तऽ एकर भाड़ा जे छै ने 50 रुपया छै एक आदमी के और लगभग अहाँके 500 मीटर लऽ जायत, मतलब 500 मीटर के अहाँके राइड करवायत। आशा करै छी अहाँ सबके मैथिली ब्लॉग नीक लागल, अगर ब्लॉग नीक लागल तऽ प्लीज हमरा सपोर्ट करू। मिथिला ग्लोरी मैथिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, कतौ भी अहाँ वीडियो देख रहल हँ, अहाँ सब मैथिली सङ्गे ओकरा शेयर करू। तऽ मिलै छै अगला वीडियोमे, ताबे तक सबगोटे अपन ख्याल रखू, सेफ रहू, सुरक्षित रहू। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी, जय मैथिल।